विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त बहुजन विकास अघाड़ी पार्टी के भिवंडी शहर अध्यक्ष फहीम आजमी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी किसको समर्थन देने वाली है, या इस बार पूरब या पश्चिम किसी उम्मीदवार को खड़ा करने वाले हैं कि नहीं। स्वागत है फहीम भाई आपका। मतलब इस बार विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी किसको समर्थन कर रही है? देखिए, बहुजन विकास अघाड़ी की जो नीति है वो नीति है विकास का, लोगों का विकास करना। जिस तरीके से भिवंडी शहर के अंदर आज 7-8 साल हुआ भिवंडी शहर में बहुजन विकास अघाड़ी का आए हुए, जब से बहुजन विकास अघाड़ी ग्राउंड लेवल से काम करते हुए आ रही है, चाहे वो ईस्ट हो या वेस्ट हो, मगर ये नहीं देखती है दिन है या रात है, मगर लोगों के साथ जुड़ी है और कंटिन्यू ग्राउंड लेवल से काम करते हुए आ रही है, जिसके हमारे आशीर्वाद हमारे माननीय श्री जी हितेंद्र जी ठाकुर साहब के, राजीव जी पाटिल साहब के, जिन्होंने मार्गदर्शन भिवंडी में जब से हमको यहाँ का अध्यक्ष बनाए हैं तब से हम मेहनत करते हुए आ रहे हैं। आज भिवंडी शहर के अंदर आज 12-13 ऑफिस हो गई है बहुजन विकास अघाड़ी की, ईस्ट में ऑफिस हो गई है, वेस्ट में ऑफिस हो गई है, महिला की ऑफिस हो गई है, मतलब इतने काम होने लगे हैं कि बहुजन विकास अघाड़ी को बहुत ही जल्द वो मुकाम पे पहुंचने वाली है जो मुकाम जनता सोच रही है। भाई भाई, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं बहुजन विकास अघाड़ी पार्टी का, भिवंडी शहर में विकास भी बहुत है, काम भी बहुत है, शहर में कई जगह पार्टी ऑफिस भी डाल दी है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए एमपी चुनाव में भी कहीं ना कहीं पूरब पश्चिम से आपके उम्मीदवार नहीं उतरे। अभी विधानसभा चुनाव में भी पूरब या पश्चिम से आपके उम्मीदवार उतरते क्यों नहीं, इसकी वजह क्या है? देखिए, बहुजन विकास अघाड़ी की एक नीति है कि बहुजन विकास अघाड़ी जहां भी कैसा है, देखो ये बड़े हमारे जो वरिष्ठ हैं उनके ऊपर ये रहता है मामला, क्योंकि वो जो फैसला करेंगे वैसा हम करेंगे, हम पार्टी के क्रॉस करके काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पता है कि अभी देखिए हमारे जो कैंडिडेट, आपने बोला कि लड़ने वाला जो है कैंडिडेट लड़ने के लिए बहुत ही तैयार थे, मगर कुछ वजह है जिसके लिए नहीं लड़े, मगर हमारे शुरुआत और हम ग्राउंड लेवल से काम किए तो हम चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल से शुरुआत किया जाए। कारपोरेशन में बहुजन विकास अघाड़ी का तमाशा आपको दिखेगा ये मैं आपके मीडिया के थ्रू बताऊंगा। मतलब पार्टी इतनी बड़ी होने के बावजूद लोकसभा या विधानसभा चुनाव में आपके उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ा करते हैं? देखिए, हम बहुत मजबूत है भिवंडी के अंदर, क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं कि जो जनता का रुझान है, चाहे ईस्ट हो या वेस्ट हो, पब्लिक का एक ही रुझान है कि बहुजन विकास अघाड़ी जैसी पार्टी दूसरी है ही नहीं, क्योंकि पालघर जिले में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो काम किया है उसको देखते हुए अगर भिवंडी के कुछ लोग जो यहाँ ऑलरेडी आमदार हैं, पहले भी थे, 10 साल पहले, 15 साल पहले जो भी आमदार थे, आज देख लीजिए अगर वो सुधारे होते तो किसी को इतना जरूरत नहीं थी कि कोई इतना डरता हो गद्दी पे यहाँ बैठ के जीत के चुनाव दिखाते विधानसभा का। मैं आपसे वादा करता हूँ अगर काम किए होते तो, काम नहीं हुआ है इसलिए उनका डिमांड, पब्लिक का माइंड डाइवर्ट है कि हम किसको चुनाव जिताएं। जब वो जिताएंगे अब वो सच्चे आदमी ढूंढ रहे हैं कि हम किसको विधानसभा तक पहुंचाएं, पब्लिक कंफ्यूज है, मगर जिस दिन बहुजन विकास अघाड़ी की सीट विधानसभा में उतरेगी तो पब्लिक खुलेआम काम करेगी, सिर्फ बहुजन विकास अघाड़ी। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी किसी को उम्मीदवार चुनना पसंद नहीं करती, या फिर बहुजन विकास अघाड़ी पार्टी से कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं? देखिए, बहुजन विकास अघाड़ी हर जगह चुनाव लड़ने के लिए एकदम सक्रिय है, मगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैसले के बिना पार्टी तो हम नहीं उतार सकते। जब उनका फैसला आएगा, जब भी आएगा, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वैसे काम करते रहेंगे। भिवंडी शहर का अध्यक्ष बनाए वही का हमारे लिए कम है कि हमारे जैसे युवा आज भिवंडी शहर के अध्यक्ष बन के बैठे हैं, नहीं तो कई कई लोग गए भिवंडी के अध्यक्ष बनने के लिए नहीं बन पाए, कहीं ना कहीं हमारी ईमानदारी उनको दिख रही है। पार्टी भी इतनी बड़ी है, अध्यक्ष पद पे भी आप मौजूद है, तो इस बार विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी समर्थन किसको देगी? देखिए, बहुजन विकास अघाड़ी का समर्थन उसी कैंडिडेट को जाएगा जो भिवंडी विधानसभा के अंदर ईस्ट और वेस्ट में, जो ऐसा कैंडिडेट होगा जो जनता के हित में काम करता हुआ आया होगा उसी को बहुजन विकास अघाड़ी सपोर्ट करेगी और विधानसभा में बैठा के दम लेगी। शहर की कितनी पार्टियां अब तक आपसे कांटेक्ट की है, आप उनसे कांटेक्ट किए? हमने तो किसी से कांटेक्ट नहीं किया भिवंडी के अंदर, अभी किसी से भी नहीं किया, और हमको 2 बजे रात में, 3 बजे रात में कई उम्मीदवार का फोन आता है कि आप हमारा समर्थन कीजिए, हम आपके साथ हैं। मैं बोला साथ ऐसे नहीं होता है, आप जो है हमसे आके कांटेक्ट कर रहे हैं वो बात बराबर है, लेकिन हमारे जो शर्तें हैं, शर्त ये है कि पब्लिक आपको जीतने के बाद हमको क्या फैसिलिटी देना है, वो बात क्यों हमको जब तक क्लियर नहीं होगा हम समर्थन नहीं देने वाले। आप अध्यक्ष होने के नाते आप फैसला क्या लिए, किसको सपोर्ट करने का? अभी फिलहाल फैसला नहीं लिया गया है, 2 दिन के बाद इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा वो आपके मीडिया के थ्रू पूरे जनता को
आह्वान किया जाएगा और बहुत ही जल्द उस चीज का रिजल्ट मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि कई पार्टियां संपर्क में है। मैं किसी को क्यों जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, मेरी मजबूरी है। इसलिए मजबूरी है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि कौन सी कैंडिडेट को जिताया जाए, क्योंकि काम कोई नहीं किया है। ये जनता, मैं नहीं बोला, ये जनता का बोलना है और मैं तो देख ही रहा हूँ अपने आँख से। जिस दिन ये भरोसा हो गया जनता को कि ये कैंडिडेट हमारा सक्रिय है, यकीन मानो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता खुद चुन के उसको विधानसभा बैठा दे। ये बात मैं लोगों को दिमाग में वही बार बार बैठाना चाहता हूँ, जनता से ही नेता है। जनता चाहे तो उनको रोड पे ला दे, उनको चाहे तो विधानसभा में बैठा दे, तो जनता के जुड़ के काम करोगे वही ओरिजिनल नेता और पॉलिटिकल नेता कहलाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।